Hello class 8. Today we are going to see a movie on teamwork. It has been said teamwork is a dream work. So let's move in the dream. It has been said it is not a team with the best players that win. It's the players with the best team that wins. So always remember this quote in your life. Beautiful poem on a teamwork. Teamwork is a key to getting things done cooperatively. Sharing ideas and listening to. Working together to see it through. You work with me and I will work with you. When we all work together, we get things done. And working together is much more fun. ऑब्वियसली हमेशा टीम में काम करने में जो मजा है वो और किसी काम में बिल्कुल भी नहीं है. सी जब इंसान अगर खराब हालातों में अगर एक ही टीम में होकर एक दूसरे के अपोजिट में होता है तो उसको बैड टीम वर्क कहलाया जाता है. जिसमें कोई भी चीज होगी तो एक दूसरे पे उंगलियां उठेंगी, एक दूसरों लोगों पे आरोप लगाया जाएगा. वो बोलेगा उसने किया, वो बोलेगा उसने किया. दैट इज बैड एटीट्यूड्स विल रुइन योर टीम. एक खराब एटीट्यूड जो होता है वो पूरी टीम की मेहनत को बर्बाद कर देता है. यस आई होप यू हैव बीन वॉच मूवी चकते इंडिया. Might it will be your favorite movie. Now what that movie teaches us. First lesson from Chak De India is teamwork. First learning this movie portrays when the girls coming from different states are asked to introduce themselves. They are strictly informed by their coach that they should play for their country first. Then for their team members and if there is still some energy left then for themselves. इस मूवी में पहली पहली जो चीज कबीर सिंह कोच दैट इज शाहरुख खान ने सिखाई थी उन लड़कियों को जो अलग अलग प्रदेश से आ रही थी लेकिन वो खेल किसके लिए रही थी, भारत के लिए. दैट्स द एटीट्यूड वी शुड टेक टू अवर वर्क एवरी डे. एक ऐसा ही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए जब हम किसी टीम में काम कर रहे हैं तो हम उस टीम के काम कर रहे हैं, बाद में खुद के लिए टाइम खुद के लिए काम कर रहे हैं. फर्स्ट इट्स ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग फॉर, देन वी आर वर्किंग एज अ टीम एंड दैट्स हाउ वी विल अचीव अवर सक्सेस, नॉट बाय वर्किंग इन अवर ओन साइलोस. हम सिर्फ खुद के मकसद के लिए काम कर रहे हैं ये हमको नहीं सोचना है. हम हमारे टीम के लिए काम कर रहे हैं हमेशा ऐसा एटीट्यूड हमको रखना है. एस विंस लॉम्बर्डी सेड्स, ये एक महान लेखक थे जिन्होंने हमें कहा था, इंडिविजुअल कमिटमेंट टू अ ग्रुप एफर्ट दैट इज व्हाट मेक्स अ टीम वर्क, अ कंपनी वर्क, अ सोसाइटी वर्क, अ सिविलाइजेशन वर्क. इंडिविजुअल इंसान, हर एक इंसान, अ सिंगल सिंगल सोल, when it commits themselves, अपने आप को प्रॉमिस करता है अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं तो वो मेरे अकेले के एफर्ट्स नहीं होंगे लेकिन मेरे साथ काम करने वाले सब लोगों के एफर्ट्स साथ में होंगे, तभी मेरे को जो वर्क है वो पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव रिजल्ट वाला मिल सकता है. So always remember, teamwork is the best. Yes. Now the second thing we have been learned in the movie Chak De India. जहाँ पे आपको एक संघर्ष की कहानी बताई गई, उस संघर्ष में पूरी टीम काम कर रही थी, वहीं पे उसी टीम में ऐसी दो लड़कियां थी जो उस टीम के लिए तो वो लड़ रही थी, टीम के लिए तो खेल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में
वो एक दूसरे के अपोज हो गई थी, जिसका फायदा सामने वाली टीम उठा रही थी। और लास्ट में जब कोच ने उनको ये रियलाइज कराया, यानी शाहरुख खान ने जब उनको ये चीज रियलाइज कराई, तो दे हैव बीन फॉरगेटेड दैट थिंग एंड अगेन दे वर इन द मैच एंड दे फाइट फॉर द राइवल्स ऑफ द टीम्स एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट वॉज अ विनिंग टीम। यस, टीम गोल। चकते इंडिया मूवी पोर्ट्रेज दिस फेनोमेना इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। द टॉप स्कोरर प्रीति सबरवाल एंड कोमल चौटाला वर कम्पीटिंग टू बैग द हाइएस्ट स्कोर टैग एंड इन दैट क्वेस्ट दे स्टार्ट कम्पीटिटिंग विथ ईच अदर एंड स्टॉप पासिंग द बॉल टू ईच अदर विच इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी अ बून फॉर एन अपोनेंट टीम। सो दिस वॉज ऑल्सो अ लेसन विच वी हैव बीन लर्न फ्रॉम द मूवी चकते इंडिया। So student, don't forget that east or west, a good teamwork is the best. Now I will show you a poor teamwork results or what it may shows us. Inhibits your small business. उसकी वजह से हमारा धंधा चौपट हो जाता है। Waste potential and hurts your profitability. कहीं ना कहीं पे हमारी जो एक चीज होती है, एक टैलेंट होता है, एक कैपेसिटी होती है, उसको समाप्त कर देती है। उसके साथ साथ हमारे धंधे के मुनाफे को भी वो मिटा देती है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ वर्किंग टूवर्ड्स अ प्रोजेक्ट गोल्स, योर एम्प्लॉयज माइट वेस्ट टाइम फिक्सिंग मिस्टेक ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन एंड इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर कहीं ना कहीं पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सिक्का ही खोटा पड़ जाता है, यानी हमारे एम्प्लॉयज ही कहीं ना कहीं पे हमारे साथ नहीं हैं, तो उनमें आपस में मतभेद, बातचीत की कमी और इन सब के कारण पूरा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरा जो काम है, वो पूरा चौपट हो जाता है। योर कस्टमर, स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल सफर फ्रॉम पुअर टीम वर्क एंड इट्स इनएफिशिएंट रिजल्ट। सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, लेकिन वहां पे करते हुए कई कर्मचारियों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। जहाँ पे आप ये धंधा कर रहे हैं, वो आजू बाजू वाली मार्केट या जो एरिया है, वहां पे भी इसका असर कहीं ना कहीं पे दिखता है। सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वीडियो एंड बाय द स्पेशल मूवी आई वॉन्ट टू शो यू, आई वॉन्ट टू थ्रो अ लाइट on your future, that whenever you have been working for someone in your life, don't think that you are alone. Think always you are working for your team and your team must win. So this was about today's video. We are going to meet after few days. Till then, goodbye, stay home and stay safe.